कहाँ चले गए हैं ये बच्चे? अभी तक खेल रहे हैं, इनको मैंने कहा था आ जाना। टाइम शाम हो रही है, मैंने घर जाके इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। मरवा अब्दुल रहमान बताया। मरवा अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान मामा बुला रही है। आ जाओ बच्चों, अब आ जाएंगे। हम मामा की बात सुन के आते हैं वापिस। मामा। मरवा अब्दुल रहमान, देखो मैं आप लोगों को कितनी देर से बुला रही हूँ, मैंने कहा था ना जल्दी आ जाना खेल के। सॉरी मामा, हम खेल रहे थे। देखो शाम हो रही है और अभी मैंने जाके अफ्तारी की तैयारी भी करनी है। हम खेलेगा मजा आया था, इसलिए हमें पता ही नहीं लगा आप आ गई। चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से घर चलते हैं, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी। ओके मामा घर चलते हैं। एक मिनट मामा, पीला जल खा लूं। और मैं पानी पी लेती हूँ। जल्दी करो बच्चों। मामा पानी पियेंगी? अरे नहीं मरवा, मेरा रोजा है बेटा। मामा पिज्जा जल्दी खाओगी? स्कूशी वाले मेरा रोजा है अब्दुल रहमान, मैं अभी नहीं खा सकती। अच्छा बच्चों एक और बात। क्या मम्मा? क्या मम्मा? बच्चों आप दोनों को ऐसे बाहर बैठ के कुछ नहीं खाना चाहिए इस टाइम, आपको पता है ना रमजान है। जी मम्मा। लेकिन मम्मा हमारा रोजा नहीं है। हम तो खा सकते हैं मम्मा। जी मम्मा अब्दुल रहमान सही कह रहा, हम तो खा सकते हैं। जी बच्चों आप लोग खा सकते हो, लेकिन बच्चों आपने कभी ये सोचा है कि इस वक्त जितने भी लोग हैं पार्क में उन सबका रोजा होगा, और जब आप लोग इस तरह की खाने पीने वाली चीजें रोजेदारों के सामने खाओगे तो उनका भी दिल करेगा खाने का। अब जितनी गर्मी है पानी देख के सबका दिल करता है पानी पीने को, इसीलिए तो गलत बात हो जाएगी ना। रोजेदारों के सामने ऐसे खाने पीने वाली चीजें नहीं लेकर आते, ये गलत बात होती है बेटा। वो ठीक है कि अभी आप दोनों छोटे हो, लेकिन अभी से इस बात को समझ जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बड़े होके आप दोनों ने भी तो रोजा रखना है ना। जी मम्मा आप सही कह रही हैं। गुड जॉब। अब हम ऐसे कुछ नहीं खाएंगे। जी मम्मा। बच्चों अगर आपका रोजा नहीं है और आपने कुछ खाना पीना है तो घर जाके आप जितना खाना चाहते हो खा सकते हो, ठीक है? लेकिन बच्चों बाहर नहीं, ओके? लोग अपने कामों के लिए आए होते हैं, रोजा रखने के लिए, किसी भी चीज के लिए आए हो, लेकिन ऐसे किसी को खाते हुए देखकर उनका रोजा खराब हो सकता है, उनका भी दिल कर सकता है कि वो कुछ खाएं, ठीक है? तो ऐसे नहीं करना, ओके? घर जाके जो खाना होगा खा लेना। अब हम सबके सामने पानी भी नहीं पियेंगे, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। आ जाओ बच्चों अब लेट हो रहे हैं, चलते हैं घर। ओके मामा। ओके मामा। ओके मामा चलते हैं। आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ, घर जाना है, बहुत लेट हो रहे हैं। चलो बच्चों जल्दी जल्दी आओ। अब्दुल रहमान जल्दी चलो, मामा ने कहा था कि लेमन्स लेके आना है। आ जाओ चल रहे हैं। जल्दी करो वहाँ, जल्दी करो रोजा खुलने वाला है। जल्दी जल्दी। जी बच्चों क्या बात है? अंकल आप पानी क्यों पी रहे हैं? क्या मतलब बच्चों? प्यास लग रही थी तो इसलिए पानी पी रहा हूँ। मेरा मतलब रमजान आ गया है। अंकल आपको रोजा नहीं है? हाँ बच्चों रमजान तो है, लेकिन आज मेरा रोजा नहीं है इसीलिए तो पानी पी रहा हूँ, अगर रोजा होता तो पानी पीता। अंकल अगर आपका रोजा नहीं है लेकिन आप फिर भी बाहर ना पानी पिया करें, क्योंकि सबका रोजा होता है। अगर आप सब
सामने पानी पिएंगे, जिनका रोजा होगा उनको भी दिन कर दिल करेगा पानी पीने का। जी अंकल, उनका रोजा खराब हो जाएगा। रोजे में किसी को ऐसा फील नहीं कराना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक कही है बच्चों, कभी कभी हम बड़े होके भी ऐसी बातें भूल जाते हैं। आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा रिमाइंडर दे दिया मुझे, थैंक यू बच्चों। अब मैं नेक्स्ट टाइम इस बात का ख्याल रखूंगा। थैंक यू अंकल। खुश रहो बच्चों, अब आप जाओ। ठीक है अंकल, अब हम चलते हैं। मरवा, अब्दुलरहमान, बच्चों देखो, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया रमजान में टाइम थोड़ा कम होता है, इसीलिए अब आप दोनों जाओगे खेलने, अगर मैं यहाँ वेट करूंगी तो फिर मैं लेट हो जाऊंगी बच्चों इफ्तारी के लिए। इसीलिए आप ऐसा करो कि जाओ आप दोनों खेलो आराम से, और मैं घर जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। बाबा बस आने वाले हैं तो थोड़ी देर में बाबा आ जाएंगे आप दोनों को लेने के लिए। ठीक है? ओके मम्मा, ठीक है। मम्मा बाबा को कितना लेट से है, खेलने का बहुत मजा आता है। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी बाबा से, लेकिन आप दोनों भी बाबा को तंग ना करना। ओके, और एक और बात सुनो बच्चों। अरे बच्चों बात तो सुन जाते, बात तो सुननी नहीं है इन्होंने। अच्छा लड़ाई ना करना बच्चों, और ये पानी की बोतल तो इधर ही भूल गए हो, ये मैं बेंच पे रख रही हूँ बच्चों। ओके मम्मा, ठीक है। भाग गए बच्चे। ओहो बच्चों, ओहो बच्चे भी ना बात नहीं सुनते। अब ये पानी मैंने रख दिया, इनको मिल जाए। चलो अब मैं घर जाती हूँ, टाइम नहीं है। अरे बच्चों क्या कर रहे हो, आराम से स्लाइड लो, चोट लग जाएगी फिर आपके पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे, हमारे बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखता। पता नहीं रोजों में मेरी बच्चों के साथ ड्यूटी लगा दी है, इधर तो कोई बच्चा मेरी बात सुनता ही नहीं है, और ऊपर से रोजा। इतने शरारती बच्चे हैं ना, लगता है ये बच्चे सारे घर में अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं, और इनके पेरेंट्स इन बच्चों को पार्क में भेज देते हैं, जाओ वहां पे जाके खेलो और सबको तंग करो, बबलू भाई को तंग करो। बच्चों क्या कर रहे हो आप, इस तरह से चोट लग जाएगी, आप क्या कर रहे हो, ये बच्चे भी सुनते नहीं है, ऊपर से मेरा रोजा। गला खुश्क हो गया बच्चों आप लोगों को बोल बोल के, ऊपर से मेरा रोजा है, अब से मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, आज इतना रोजा लग रहा मुझे सिर्फ तुम लोगों की वजह से। बच्चों इनको तो अंदर जाके देखता हूँ ये सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत तंग करते हो बच्चों आप। रुको बच्चों, क्या कर रहे हो ये आप दो, अरे रुको बच्चों, तुम भी सारे बच्चों की तरह से उल्टे झूले ले रहे हो, गिर जाओगे चोट लग जाएगी। अरे मरवा तुम तो बहुत समझदार थे, अब तुम भी इसे शरारते करते रहोगे, इस तरह तो चोट लग जाएगी तुम्हें। बबलू भाई मैं मरवा नहीं हूँ, अब्दुलरहमान हूँ। ओ हाँ अब्दुलरहमान, ये क्या उल्टे सीधे झूले ले रहे हो, गिर जाओगे चोट लग जाएगी आपको। बबलू भाई हम खेल रहे हैं। वही तो छोटे, अगर खेलना है तो सीधे तरीके से खेलो, ऐसे बबलू भाई को रोजे में तंग ना करो। बबलू भाई आपका रोजा है? हाँ बच्चे मेरा रोजा है, जो तुम सारे बच्चे पार्क में मिलकर खराब कर रहे हो। बबलू भाई मेरा भी रोजा है, मेरा चिड़ी रोजा है, चिड़ी रोजा। चिड़ी रोजा, इसीलिए बच्चे ऐसे बोल रहे हो जैसे चिड़िया खा के आए हो। अच्छा बच्चे आराम से खेलो, मुझे बहुत रोजा लग रहा है,
अब मुझे दोबारा आके ना कहना पड़े, ठीक है? ओके बबलू भाई, जाओ बच्चे। अब ये भी, इसको भी मैं जाके पूछता हूँ। अरे अब्दुल रहमान, ये क्या कर रहे हो? बबलू भाई, मैं अब्दुल रहमान नहीं हूँ, मैं मरवा हूँ। ये क्या मेरे से उल्टा सीधा हो रहा है? देखा, रोजे में मेरे सारे नाम भी उल्टे सीधे बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, मरवा, ये कैसे झूले ले रही हो आप? बबलू भाई, इतना मजा आ रहा है स्लाइड लेने का। बच्चों, ये आप लोगों के मजे, एक दिन मुझे ले डूबेंगे। अच्छी मेरी ड्यूटी लगा दी बच्चों के साथ रोजों में, और ये बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। बबलू भाई, आपको क्या हो गया? अरे छोटी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आराम से झूले लो, सीधे तरीके से झूले लो ना, ऐसे स्पाइडरमैन ना बनो। उधर आपका भाई सोनिक बना हुआ है, इधर आप स्पाइडरमैन की तरह झूले ले रहे हो। स्पाइडरमैन? फिर चोट लगेगी और आपके मामा बाबा परेशान होंगे। बच्चों, सीधी तरह से झूले लो, अब मुझसे और बोला नहीं जा रहा, रोजे में मैं तो जा रहा हूँ। ओके बबलू भाई, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या ये बच्चे भी ना, आज तो मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है इनको समझाते समझाते। बहुत तंग करते हैं बच्चे। ओ, ये किसका पानी है? रोजों में इधर पानी रखा हुआ किसी ने? ये किसका हो सकता है? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। क्यों ना मैं इसको एक दो घूंट पी लेता हूँ, बहुत प्यास लग रही है। यहाँ पे कौन मुझे कोई देख रहा है? मैं, मेरे प्यास हो गई, पानी कहाँ है? अब्दुल रहमान, मम्मा ने तो पानी बेंच पे रखा था। आप मेरे साथ आओ, पानी पीने चलते हैं। ओके अब्दुल रहमान, हम पानी पीने चलते हैं। आओ, मैं वापस जा रही पीछे। ऐसा करता हूँ, दो घूंट पी लेता हूँ चुपके। कौन यहाँ पे कोई देख रहा है? वो बच्चे हैं, बच्चों की तो खैर है, बच्चों को कहाँ से पता चलना है? कोई भी नहीं है यहाँ पर, इसी बेंच के पीछे छुपकर पी लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। हाँ, कौन सा मेरा रोजा टूट जाएगा? जब तक किसी को पता नहीं चलेगा तो मेरा रोजा, हाँ, कोई देखेगा नहीं तो कोई देख तो नहीं रहा ना मुझे। कोई भी नहीं है इधर। चलो अब्दुल, पानी पीने चले। पानी कहाँ गया? हमारे बेंच में पानी नहीं पड़ा हुआ, मम्मा ने इस बेंच में ही पानी रखा था। मरवा मार, पानी कहाँ चला गया? ये क्या है? ये कौन है अब्दुल रहमान पीछे? अब्दुल रहमान, हम देखते हैं। बबलू भाई, आप? Oh no! बबलू भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? बबलू भाई, अंदर पानी नहीं है। बबलू भाई, आपका तो रोजा था। वो पकड़ा गया। ओ, मैं तो पकड़ा गया। तो पकड़ा गया बच्चों के हाथ में। तो गया मैं बबलू भाई, फंस गया, फंस गया। बच्चों, आप दोनों। बबलू भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? बच्चों, मैं तो पानी पी रहा था। आपको रोजा नहीं है बबलू भाई? रोजा? हाँ, रोजा तो है मेरा। तो फिर आप पानी क्यों पी रहे हैं बबलू भाई, अगर आपका रोजा है? ये तो गलत बात है बबलू भाई, ऐसे तो आपका रोजा टूट सकता है। कैसे टूटेगा रोजा? मुझे तो किसी ने नहीं देखा पानी पीते हुए। आप लोगों ने देखा ना, तो आप लोग किसी को ना बताना तो नहीं टूटेगा। ओ बबलू भाई, आपको तो नहीं पता, आप हमारा क्यों सोच रहे हैं? आप बबलू भाई उसका सोचे जो हमें हर जगह देख सकता है। क्या? कौन देख रहा मुझे? और कौन देख रहा मुझे? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है जो मुझे देख रहा है। कैमरे भी नहीं लगे हुए, कौन मुझे देख सकता है? कोई भी नहीं देख रहा। हमारे अलावा ही कोई एक है बबलू भाई, जो आपको देख रहा है। वो क्या? वो कौन है? ओहो बबलू भाई, इतना
मर्जी से छुप जाए, अल्लाह ताला आपको हर जगह देख रहा है। अल्लाह ताला, आप हमसे छुप सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सकते। अल्लाह ताला मुझे देख रहे, ये मैं कैसे भूल गया। बबलू भाई, आपने कभी ये सोचा कि अल्लाह ताला क्या सोचेंगे? आप अल्लाह ताला के लिए रोजा रखते हैं, अगर आप रोजा तोड़ देंगे तो अल्लाह ताला आपसे नाराज हो जाएंगे। अगर आपको रोजा आ गया तो चल जाए खा लो, लेकिन रोजा नहीं तोड़े। या अल्लाह, ये मैं क्या करने लगा था? मैं पानी पीने लगा था, अपना रोजा तोड़ने लगा था। या अल्लाह मुझे माफ कर, ये मैं क्या करने लगा था? अगर ये बच्चे मुझे टाइम से आके ना बताते, मैं तो अपना रोजा तोड़ने लगा था। या अल्लाह मुझे माफ कर। शुक्रिया बच्चों, ये तुम दोनों ने आज मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया, ये तो मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। बाबा आगे, चलो बबलू भाई अब हम जा रहे हैं। बबलू भाई हम जा रहे हैं, जाओ बच्चों जाओ। इस बबलू भाई को अपनी दुआ में हमेशा याद रखना।